काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब है भाई। सो फिलहाल अभी दवा हम तो लेके आए हैं और बोला है कि रेस्ट करने के लिए। आप लोग प्रे करो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए दादी। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल मोहम्मद इरफान ब्लॉग्स। तो भाई साहब अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमने भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया भाई साहब। सो भाई साहब जो अभी लास्ट वाला ब्लॉग मेरा नहीं देखा है, जो कल मतलब ब्लॉग आया है, जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देखो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार भाई साहब। सो जो मतलब उसमें मेरी रियलिटी है, मैंने मेरी रियल लाइफ है उसमें सब मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। तो जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो ब्लॉग जाके देख लो, वो पिछला ब्लॉग है, वरना फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके वहाँ पे देख लेना। और भाई साहब जो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हैं फॉलो कर लो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो और आज का ब्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं। स्कूल क्यों नहीं गया? हाँ नीचे ऊपर चलेंगे। अरे स्कूल जाने के लिए बोल रहा हूँ तो बोल रहा नीचे ऊपर चलेंगे, इसका मतलब क्या है? हाँ जाएंगे। कब? बिहान छुट्टी है। कल छुट्टी है लेकिन। और ये क्या हो रहा है? तो गेहूं है ना? अच्छा गेहूं उसमें रखा जा रहा है बोरे में, बट ये बाल है पूरा भी। अच्छा चलो रमजान बाद इसकी पिटाई होगी। अभी किस चीज की पार्टी चल रही है यहाँ पे? आम और जलजीरा। अरे वाह, कहाँ से लेके आए आम? अरे जो देखेंगे ना पटक पटक के मारेंगे। खट्टा नहीं लग रहा है भाई? अरे और ये देखो भाई साहब, ये इतने टाइम चाय पी रहा है। अरे अच्छा घर पे मेहमान आए हुए थे, चाय बना हुआ था, सो जब ये चाय बनता तो इसका बाहर आ जाता है पूरा अच्छे से। चाय इसको काफी ज्यादा पसंद है ना। हाँ क्या मेरे पीछे क्या हो रहा है? ओ भाई साहब क्या चल रहा है? अच्छा जब घर पे मेहमान आते तो इन लोग का सबका बाहर आ जाता अच्छे से। एक्चुअली अभी मामू आए थे ना घर पे, छोटी अम्मी का एक वो क्या नाम है ईदी लेके, हाँ तो सबका बाहर आ गया भाई। चाय वाय बना था तो वो तो चाय अगर बन जाए तो वो एकदम खाना ना सब छोड़ के चले जाएगा चाय पीने के लिए। और दादी तबीयत कैसा है? ठीक है वैसे, मतलब हल्का फुल्का कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बस उसे ज़्यादा तो फर्क नहीं दिख रहा है मुझे भी। बट अभी दवा दिए हैं, बोल रहे हैं कि कम से कम एक महीना लगेगा भाई कवर होने में, तो अभी वेट करना पड़ेगा और देखते हैं। अभी आई थिंक इनको 10 या 12 दिन हुआ दवा खाते हुए, सो फिलहाल देखते हैं भाई साहब अभी कब तक कवर होता है कब तक नहीं। मतलब दादी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई है भाई। देखो मतलब हमेशा जब आप ब्लॉग में देखते होंगे तो फिलहाल ये मतलब चारपाई पे लेटी रहती हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब है भाई। सो फिलहाल अभी दवा हम तो लेके आए हैं और बोला है कि रेस्ट करने के लिए, सो दवा खिला रहे हैं और देखो भी कब तक कवर करता है, कब तक ठीक हो जाएंगी। आप लोग प्रे करो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए दादी। सो फिलहाल भाई साहब अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और आज है मेरा एग्ज़ाम। एक्चुअली 2 बजे से मेरा एग्ज़ाम है, सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए और 5 बजे तक एग्ज़ाम मेरा चलेगा। सो चलो अभी जाते एग्ज़ाम दे के आते हैं और आप लोग से 5 बजे मिलते हैं फिर। सो फिलहाल भाई साहब अभी आ चुके हैं हम घर पे और यहाँ पे देखो इफ्तारी का काम चालू हो गया, मतलब इफ्तारी बनने का काम चालू हो गया। क्या बनेगा आज? लपटा। चलो मतलब कड़ी बनेगा भाई। सो काम चालू अभी इफ्तारी का और फिलहाल मैं अभी आ रहा हूँ भाई। मतलब आज तो जल्दी छुट्टी हो गया क्योंकि मतलब अभी 5 बज रहे हैं दिन के, तो 4 बजे छुट्टी हो गया था, 1 घंटा मुझे आते हुए लगा है। सो फिलहाल मैं अभी पहुँचा हूँ। और क्या हाल चाल? ठीक है सब बढ़िया। बस दिन भर यही करो, कंचे खेलो और कुछ नहीं। पढ़ने गया था? चलो सही है। और दादी तबीयत बढ़िया है? अब मुझे लग रहा है ठीक ना? अब चेहरा एकदम उतर गया दादी का भाई। देखो दादी कैसी थी और कैसी हो गई। खाना खाया दादी? हाँ चलो ठीक, सबने खाना खाया? हाँ खाना खा लिए। तो फिलहाल भाई साहब इफ्तारी करने के बाद और लाइट चली गई थी तो लाइट था नहीं, इसलिए शूट कुछ नहीं कर पाया था मैं भी। फिलहाल अभी लाइट आ रहा है, अभी शूट कर रहा हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए और यहाँ पे देखो सब लोग भी खाना खा रही है, खाना खा रही है, बाकी सब ने तो खाना खा लिया है। सो फिलहाल भी चलो हम भी खाना खाने के बाद आप लोग से फिर मिलते हैं। सो फिलहाल भाई साहब अभी हमने खाना खा लिया है और अभी सबसे पहले देखते दादी को दवा, सो उसके बाद में और कुछ काम करते फिर।
गाइस फिलहाल अभी हमने दवा वा दे दिया है, और दवा देते देते भाई साहब मतलब मुझे ऐसा कुछ दवा दवा फील होने लगा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कब तक ये ठीक होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी। चलो भाई साहब अभी मैं इस ब्लॉग को जा रहा हूँ एंड करने के लिए, और अभी एडिटिंग भी करना है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।